तो हम बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कैसे मौलाना साहब को अब विक्टिम बताकर, मुसलमान बताकर बचाने की कोशिश की जा रही है। धर्म की दुकान चलाते चलाते मुस्लिम संगठन, मुस्लिम तबलीगी जमात देश का गुनहगार बन गई। इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोलते। अतोगी विश्व गुरु मोदी की दुनिया के सबसे बड़े मंच पर हिंदुस्तान का विश्व गुरु वाला अंदाज दिखा। दो अखबार हैं, उन्होंने अपने स्टाफ से कहा है कि आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह कम की जाएगी। भारत में मीडिया की छवि पिछले कुछ समय में गोदी मीडिया के रूप में उभरी है। इसका एक कारण ये है कि मीडिया सरकार की आलोचना अब नहीं करता। हमारा मीडिया पहले की तरह इतना आजाद नहीं रहा कि वे सीधे सत्ता से सवाल कर सके। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के वार्षिक विश्लेषण के अनुसार प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में भारत का स्थान 142 पर पहुंच गया है, जो कि 2019 में 140 था। हम दो कदम और पीछे की तरफ आ गए हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 ने कहा कि 2018 में भारत में 6 पत्रकारों की हत्या हुई थी, हालांकि 2019 में किसी भी भारतीय पत्रकार की हत्या नहीं हुई। भारत में मीडिया सुरक्षा की स्थिति पर थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन लगातार स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया, जिनमें पत्रकारों के खिलाफ पुलिस या हिंसा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमला, बदमाशों एवं भ्रष्ट स्थानीय अधिकारों द्वारा बदले में हिंसा आदि शामिल है। रिपोर्ट में कश्मीर में प्रेस की आजादी का मुद्दा भी उठाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने ऐसे हालात खड़े कर दिए कि जर्नलिस्ट के लिए इस जगह को कवर करना असंभव हो गया। अगर हाल ही के संकट की बात करें तो मीडिया ने कोरोना संकट के लिए भी एक ही समुदाय को लगातार निशाना बनाया है। तो हम बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कैसे मौलाना साहब को अब विक्टिम बताकर, मुसलमान बताकर बचाने की कोशिश की जा रही है। हम जैसे लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। किसने कहा था कि वायरस हिंदुस्तान में आके मुसलमान हो गया? अजीम शायर मुनव्वर राणा ने, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या वो राजनीति नहीं है? क्यों असदुद्दीन ओवैसी ने मौलाना साद, कोरोना फैलाने वाले मौलाना की आलोचना से इनकार कर दिया? क्या वो हिंदू मुसलमान करना नहीं है? लेकिन बात आई है भारत माता की जय पर। भारत माता की जय इसलिए क्योंकि अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, किसी भी शब्द पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पिछले करीब 1.5 महीने से हम बार बार कह रहे थे कि तबलीगी जमात के जरिए जो देश में कोरोना फैला, उसमें जमात के मुखिया मौलाना साद का बहुत बड़ा रोल है। मौलाना साद की जिद या फिर साजिश, जो भी कहिए, उसकी वजह से देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मरीज फैले हैं। तबलीगी जमात ने अपना कहर दिखा दिया है और हिंदुस्तान का मुसलमान मस्जिदों में एकत्र होने से बाज नहीं आ रहा है। धर्म की दुकान चलाते चलाते मुस्लिम संगठन, मुस्लिम तबलीगी जमात देश का गुनहगार बन गई। कोरोना वायरस के बीच मुसलमानों को भड़काकर दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज में जुटाना, फिर पूरे देश में छोड़ देने का ही तो नतीजा है कि देश में 30% कोरोना केस का कनेक्शन तबलीगी जमात से जुड़ रहा है। अब हम आपको जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा दूर रखा गया है। दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, इस्लाम भी नहीं देता। इसलिए किसी भी मजहब के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें उसके सिद्धांतों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जिहाद को इस्लाम का छठा स्तंभ माना जाता है। जिहाद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र युद्ध, लेकिन जिहाद की परिभाषा को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। इस पवित्र युद्ध को धर्म युद्ध बताकर दुनिया भर में इसका गलत इस्तेमाल होता है। मीडिया में डिबेट भी कुछ गिने चुने मुद्दों पर ही होती है और ज्यादातर सरकार के पक्ष में ही मीडिया खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण मीडिया एंकर को नेताओं से काफी कुछ सुनना भी पड़ता है। कैसे कैसी गलत बात कर रहे हैं आप मिसलीड कर रहे हैं। मेरी बात, जब भी कोई मामला आता है, बहस होती है, खबर दिखाई जाती है। आप सुनिए मेरी बात। इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात करती हैं? आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं आप लोग? आप मुंह खुलवाना चाहते हैं? इस देश के मीडिया ने हिंदुस्तान की जो हालत पैदा कर दी है, जो हालत की है देश के अंदर, सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की
मगर अभी आप अभय दुबे जिसने आपको बिका हुआ बताया वहाँ तो हाथ जोड़ के आप खड़ी हो गई। नहीं नहीं किसने संबित पात्रा आप बहुत हो गया, मुझे लग रहा है आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। क्या बहुत आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। कोई लिमिट नहीं क्रॉस, अभय दुबे ने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही है। आप यहाँ बैठकर मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद कर दीजिए। सब बुरा लग रहा है। मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद कर दीजिए। बुरे लगे। शोर जमाए। आप करिए। नहीं, I am not going to get into it, sir. बहुत नहीं ये। मैं बस बहुत क्लियरली आपसे ये कह रही हूँ। हिंदू मुस्लिम से आपकी आपकी क्या दुखती नजर है? हिंदू मुस्लिम बोलते ही आपको क्यों गर्व होने लगती है? अमीर जी, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? वीडियो सामने आया ये। जी, अरे सर, फिर मैंने आपसे कह दिया आप फ्रॉड करते हैं देश के साथ, उसके लिए आप ही सच्चे हैं सर, आप ही सच्चे हैं, बाकी सब तो फ्रॉड है। ये परेशानी बहुत बड़ी है, उस परेशानी की बात होनी चाहिए। असीम वकार, बीजेपी से संबित पात्रा को बिठाया है, उनको बोलने दीजिए। संबित पात्रा के नौकर नहीं है आप। एक सेकेंड, आप मर्यादित बात करिए, आप मर्यादित बात करिए। कौन किसका नौकर है मुझे नहीं पता, कौन किसका नौकर है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जनता का नौकर हूँ, मैं अपने व्यूअर्स का नौकर हूँ। आप होंगे किसी के नौकर? खटपट खटपट खटपट, अमीश भाई मैं आ सकता हूँ? खटपट खटपट आप बोलते होंगे। पिछले कुछ समय में सरकार द्वारा पत्रकारों पर UAPA एक्ट के तहत काफी मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। कश्मीर की फोटोग्राफर मशरत जाहरा पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके साथ ही पत्रकार गौहर गिलानी पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। गिलानी पर सोशल मीडिया पर लिखी उनकी पोस्ट को लेकर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा द हिंदू अखबार के श्रीनगर संवाददाता पीरजादा आशिक के खिलाफ भी UAPA लगाया गया था। पुलिस का दावा था कि शोपिया एनकाउंटर और उसके बाद के घटनाक्रमों पर पीरजादा आशिक नाम के पत्रकार ने द हिंदू अखबार में फेक न्यूज प्रकाशित किए जा रहे हैं। गुजरात में एक समाचार पोर्टल के संपादक के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कथित तौर पर अपने पोर्टल पर खबर चलाई थी कि बीजेपी आलाकमान मुख्यमंत्री विजय रूपानी की जगह पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। जो मीडिया सरकार के खिलाफ बोलता है उस पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया काफी समय से मीडिया रिपोर्ट्स में मोदी के गुणगान करता नजर आ रहा है, कभी महामानव और कभी विश्व विजेता। बात होगी विश्व गुरु मोदी की। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर हिंदुस्तान का विश्व गुरु वाला अंदाज दिखा, और जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को शांति सद्भावना और वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया, उससे साफ हो गया कि कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही दुनिया को भारत एक नई राह दिखा रहा है और जिस पर दुनिया को भी चलने की जरूरत है। लेकिन एक और स्थिति है भारत की जिसकी दुनिया भर में हो रही है तारीफ। एक बार फिर से कोरोना की जंग में प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने पीएम मोदी को कोरोना के खिलाफ जंग में महामानव कहा, यानी सुपर ह्यूमन। जी हाँ, ये लोगों के आत्मसंयम और सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि देश में कोरोना का अभी कोई विस्फोट नहीं हुआ। देखिए, ये रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुपर ह्यूमन कहा जा रहा है। मीडिया में पिछले कुछ समय में काफी लोगों की नौकरियां भी गई हैं। हाल ही में एक खबर के मुताबिक हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने 20 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया है। और भी कई मीडिया संस्थान हैं जिनमें नौकरियां पत्रकारों की गई हैं, जिसकी अधिक जानकारी अभिसार शर्मा ने अपने न्यूज क्लिकिंग पर शो में दी। दो अखबार, जी हाँ, दो अखबार हैं, उन्होंने अपने स्टाफ से कहा है कि आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह कम की जाएगी। एक मैगजीन ने अपना प्रिंट पब्लिकेशन बंद कर दिया है। एक न्यूज चैनल ने, एक हिंदी न्यूज चैनल ने अपने 16 वेब एम्प्लॉयज को निकाल दिया है। यही नहीं, एक बहुत बड़े अखबार ने अपने संडे मैगजीन को बंद कर दिया है। सबसे बड़ा जो मीडिया हाउस है उसने अपने 46 रिपोर्टर्स, 6 कैमरामैन, 17 प्रोड्यूसर्स को बाहर करने का फैसला किया है। एक और अखबार है, उजाले का जिक्र अक्सर वो करता है, उसने अपने एम्प्लॉयज की 50% सैलरी कम कर दी है। मीडिया न्यूज रूम जहाँ पहले न्यूज पढ़ी जाती थी, अब वहाँ पे योगा से खाया जा रहा है। आप जो है इधर तो आओ। हाँ, आप करिए। नहीं, 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 मैं देख रहा हूँ, मैं इधर बैठता हूँ। इधर ऐसे आओ, ये टिप्स लगाने चाहिए। मैं 500 लगाता हूँ। ये ऐसे टिप्स आप लगाइए। अरे नहीं नहीं, आप लगाइए, अगली बार करूंगा। थोड़ा पता तो लगे। चलिए चलिए, ठीक है, ऐसे चलो स्टार्ट करते हैं। ये करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, मैं आऊंगा आपसे सीखूंगा। ताकत ऐसे होनी चाहिए, देखो ऐसे। अमेजिंग।
बहुत अच्छा। न्यूज डिबेट्स ने जंग का रूप ले लिया है। रिपब्लिक भारत पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक डिबेट हुई। इस डिबेट में दोनों पक्ष की ओर से बहस हुई जिसने जंग का रूप ले लिया। हमारे मीडिया को इन सब से ऊपर उठना होगा और जरूरी मुद्दे उठाने शुरू करने होंगे और सरकार से सवाल करने भी शुरू करने होंगे ताकि हम प्रेस की आजादी में और ज्यादा पीछे ना हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।